प्यार से बोल के थक गया, श्राप दे दिया भगवान का वास्ता दिया सीधा भगवान का। अच्छा है, बहुत हेल्दी है लड़कियां। कि वो भी एक किलो है और रफली ये भी एक किलो है, तो पकाएंगे कैसे? हमारे कुक ने, जो कि अब इसका अकेले का कुक है, उसने बनाया सारा खाना, पराठा चावल। हाँ क्या मेरे साथ रह के सीख गया भाई वो? मैंने उसको सिखाई नहीं पा रहा था, उसको नहीं पा रहा था भाई, वो तरीका होता है बोलने का। उठो तुमको उसको करो, उठो ऐसे करो, ऐसे थोड़ी सीखते हैं। तो पप्पी दे रहा था कि तू उसको डेली कैसा सिखाया तू? करना पड़ता भैया कि देखो ये भाई ऐसा करके ऐसे डाल दो भैया, अच्छा लगता है चार गाली दोगे तुम उसको डेली। एक ज्ञान देता था टकले में पप्पी, कुक बनाने के बाद ऐसे करके पप्पी डालता है सुशील के लिए। ये भी सीख गए भाई तेरे से बात करना रह रह के। मैं इसके जैसे? हाँ इसके से बात करती हूँ। तो पार्किंग प्रोहिबिटेड, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा है। बस ये है कि तुमको शराब पड़ेगा अंटिल आप दोस्त हो, फैमिली या फ्रेंड हो, बाकी चलेगा। यार क्या क्या लिखा है पता है? क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि तुम्हें अपने पूर्वजों का श्राप लगेगा, तुम्हारे टायर ऐसे ही फट जाएंगे, तुम पार्टी में जाओगे तो कोई तुमसे बात नहीं, बवासीर हो जाएगा तुमको। हाँ बवासीर। तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में खाना ऐसे ही सड़ जाएगा, तुम्हारे मतलब तुम्हारे इर्द गिर्द मच्छर घूमेंगे, तुमको कीड़े पड़ेंगे, लाइक दैट मानना पड़ेगा जिसने भी किया। प्यार से बोल के थक गया, श्राप दे दिया भगवान का वास्ता दिया सीधा भगवान का। थैंक यू भैया। अभी हम स्वीट ब्रेड और एक कॉफी पीने आए हैं, फिल्टर कॉफी हमारी फेवरेट है। खा का तू? हम रोज खाते थे जब हम बैंगलोर में थे। हैदराबाद में मैंने एक जगह पे देखा था फिल्टर कॉफी, मैं पूछने गया भाई कितने का मिलता है, वो बोला 25 रुपये। मैं बोला नहीं पी रहा मैं, यहाँ 12 रुपये का पीता हूँ मैं, बता। बस आपको जब एक बार प्राइस पता चल जाता है तो आप हो जाता है फिर। कोई नहीं, तब तक आप स्वीट ब्रेड खाओ, खाओ खाओ खाओ। अच्छा है, बहुत हेल्दी है। पहले ये हमारा डेली का ब्रेकफास्ट, दिमाग बंद कर दिया, स्वीट ब्रेड। मस्त सूरज चमक रहा है वहाँ से। अभी लोगों को लग रहा होगा कि हम यहाँ बीच में खड़े होकर कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में ये भाई हमें पोहा खिलाने लाए थे और दुकान तो ठप हो गया। लोकेशन बदल गया या आदमी उड़ गया कुछ मालूम नहीं, तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि खाने कहाँ जाए। ये प्रेडिक्शन देख रहे हो, पता होता है नहीं कुछ, तुक्केबाजी चल रही है। वो सब छोड़ो, बादल देखो भाई, बादल मजा आ रहे कि नहीं? तो अब हम हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच प्लस पता नहीं स्नैक्स करने यहाँ जाएंगे। यहाँ ऐसे तो हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेरे को बाद में याद है कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो मैंने अभी रिकॉर्ड किया, इसके बाद वाला बाकी। ठीक है मेरा तो ये सर जी अभी हमें लेके आए हैं कहाँ? आशीर्वाद ग्रैंड। बोलूं क्या जाके? ये तो जल गया। बोल दे जा। अभी लौंडे होते तो खाली होते ना, मैं भी खा लेता। हम लौंडे ऐसे होते, गलती हो गई होगी एडजस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है लड़कियाँ। गई वो। तो मैडम का नया डोसा आ गया है, अब अच्छा वाला बिना जगह। मैडम खा रही है प्लेन मसाला डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा, ये क्या पीसीबली बात। अच्छा अच्छा, मंगाया मैंने पोंगल था, अब कोई सोच रहा है पोंगल क्या होता है तो खिचड़ी है, ये पीसीबली बात। चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाया, मिक्स कर दे दिया, बात यही है। गलत बोला क्या मैंने? तो अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वो समय आ जाएगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्षितिज भाई का बिरयानी बनाने का, ऐसा हमें लगता है। ऐसा वो बोल के गया कि वो चिकन लेने गया है, तब तक हम पत्ते खेल रहे हैं उनो। ये बंदा बिरयानी बनाने वाला था, रेसिपी भूल गया, रिवाइज कर रहा हूँ। शर्मानी चीरे सागर भाई, ऐसे इंसान बहुत
ज्यादा सितेश भाई कुकिंग के दरवाजे पे उतरे, मतलब किचन के दरवाजे पे, तो समझ में आया कि बल्ब तो जलता ही नहीं। तो YouTube से देखने के बाद पता लगा कि सामग्री क्या क्या चाहिए और वो मंगाएंगे यहाँ पे। ऐसी चल रही है प्लानिंग। वो हमारे नेशनल चैंपियन स्केट बोर्डिंग के। चावल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और वहाँ चिकन बन रहा है। अब मेन दिक्कत यह है कि वो भी एक किलो है और रफली ये भी एक किलो है, तो पकाएंगे कैसे? बर्तन छोटा हो गया। आधा आधा कर देंगे, आधा इसमें आधा उसमें। प्लॉटिंग देख लो, प्लानिंग प्लॉटिंग ऑन पॉइंट। हाँ भाई, फाइनल मोमेंट, अब बिरयानी बन चुकी है, देखा जाए कैसा बनाते हैं। दिख तो अच्छा रहा भाई सच में। अमृता तिल्ले बिरयानी मैं नहीं खाऊंगी। चावल चावल है, चेक तो करो। खाना चावल में तो नमक डालना ही नमक कम है, कोई नहीं, वो तो एडजस्ट हो जाएगा, वो छोटी चीज है। पक तो गया, नमक थोड़ा कम। बराबर ले जा बिरयानी, चेक करिए। अप्रूव्ड, थोड़ी नमक की आवश्यकता। वो आप स्वाद अनुसार डाल लें। तो बस फिर ठीक है, यही है जो है।